पाकिस्तान के लिए इस वक्त खतरात जो हैं और इम्प्लीकेशंस जो हैं वो बढ़ती हुई महसूस हो रही हैं। अमेरिका के डेमोक्रेसी समिट में शिरकत ना करने का जो फैसला है उसने अब बाकायदा तौर पर पाकिस्तान को तीन मुल्कों की एक अलायंस में ला खड़ा किया है, जिसे अमेरिका अपने लिए, वेस्ट अपने लिए बहुत बड़ा थ्रेट समझता है। खास ये जो चीजें आप कर रहे हैं ना, ये नस्लें पे करेंगी। आपने मदद की है इंडियंस की, इसमें ना जाके आपने इंडियंस की मदद की है। सियालकोट चीफ से मुलाकात से इनकार करना इमरान खान का, फिर जी इमरान खान का एब्सोल्युटली नॉट कहना, फिर अमेरिका के वजीर खारजा की टेलीफोनिक जो गुफ्तगु है वो ना करने का फैसला कहना कि शाह महमूद कुरैशी से बात करो, उसके बाद डिप्टी वजीर खारजा का पाकिस्तान आना और इमरान खान का मिलने से इनकार करना, इस सब के अंदर एब्सोल्युटली नॉट और एब्सोल्युटली नॉनसेंस कहना, इस सब के बाद अब अमरीका जो है वो भी पाकिस्तान के साथ, इससे पहले रशिया चाइना और पाकिस्तान की कंपनीज के ऊपर पाबंदी लगा चुका है वॉर के मामले में, तो अमरीका भी इस वक्त पाकिस्तान को उस मामले में समझ रहा है। अमेरिका एक डेमोक्रेसी समिट करवा रहा है, इन वेस्ट का एक बहुत बड़ा मसला है कि वेस्ट समझता है कि उसका निजाम हुकूमत है वही दुनिया में बहुत अच्छा। आप देख लें चाइना तरक्की नहीं कर रहा, वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, और पैरेलल दुनिया के अंदर चीजें पैरेलल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, पैरेलल फॉर्म ऑफ तरीके होते हैं, बादशाहत भी है मुल्कों में। अच्छा, इस समिट के अंदर डेमोक्रेसीज को बुलाया गया, पाकिस्तान भी एक डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, पाकिस्तान को इस समिट के अंदर बुलाया गया सरबराहान के लेवल पर, और पाकिस्तान के वजीर आजम ने इस समिट के अंदर शिरकत से माजरत कर दी। इस सब के अंदर पाकिस्तान के हक में चीन का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया। जारी बात है, ये समिट जो है ये रशिया चाइना और ऐसे मुमालिक को काउंटर करने के लिए था, उन्हें खुडे लाइन लगाने के लिए था, और पाकिस्तान ने फैसला किया हम इस तरह के किसी पॉलिटिकल मैन्यूवर का अमेरिका के हम हिस्सा नहीं बनेंगे। और पाकिस्तान ने एक बड़ा प्यारा प्रेस रिलीज दिया कि जी हम अमरीका से कॉपरेशन बढ़ाएंगे, हम बड़ा खैर मकदम करते हैं, हमें इन्वाइट किया, हम नहीं आ रहे। इसके ऊपर चाइना की जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल है लिजान झाओ, उन्होंने बाकायदा तौर पर इस सब के अंदर यह कहा कि पाकिस्तान डिक्लाइन टू अटेंड डेमोक्रेसी समिट, अ रियल आयरन ब्रदर, पाकिस्तान हमारा असल आयरन ब्रदर है, पाकिस्तान का हम रिगार्ड करते हैं। तो इस सब के अंदर पाकिस्तान, अब जारी बात है अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को रशिया और चाइना जैसा थ्रेट ही अब समझना शुरू हो चुका है। कि आपने बिल्कुल इस सिग्नल क्या भेजे हैं, आपने सिग्नल पहला ये भेजा है कि अब वी आर कमिटेड टू द चाइनीज कैंप, सबसे पहला तो आपने ये कह दिया। उसका दूसरा आपने ये सिग्नल भेजा, जिस तरह खान साहब ने पहले कहा था कि कम्युनिज्म लुक्स बेटर, तो वो मेरे ख्याल में आपका चाहे इरादा हो या ना हो, लेकिन दुनिया आज ये समझ रही है कि मे बी द रूलिंग एलीट इज मूविंग टुवर्ड्स कम्युनिज्म, मे बी दैट इज द रीजन। अब उसके बाद जो एक मैं थोड़ा सा एनालिसिस करना चाहता हूं 3.5 साल का, एक मिनट के लिए चीमा साहब आप वापस चले जाएं जरा, जब खान साहब डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर गए थे तो ये कहते थे कि मैं वर्ल्ड कप जीता हूं, और उसके बाद आज का पाकिस्तान देखें, फॉरेन पॉलिसी आपकी, तुर्की के पीछे खान साहब गए इतना ज्यादा कि इन्होंने कहा कि वो वहां टर्किश ड्रामे देखो सारे, मलेशिया को कहे आओ मिलके नया चैनल बना लेते हैं, फिर सऊदी अरेबिया, मेरा मकसद तो यू टर्न नहीं है, इनको मैं यू टर्न नहीं कहूंगा, ये यू टर्न छोटा लफज है इनके लिए। तो आज ये फैसला करना कि हम नहीं जाएंगे इस समिट में, मेरी गुजारिशात सुनिएगा, मेरे जो मैं मशवरा दूंगा, एक तो आप ये करें कि जो ये बाहर से जो आपने मिनिस्टर लिए हुए हैं IMF के, इनको घर वापस भेज दें, इनकी छतें लीक हो रही हैं, वॉशिंगटन DC में इनकी प्रॉपर्टियां जो है वो या तो कोई कब्जा और कर लेगा तो या उनकी छतें लीक हो रही, इनको फौरन वापस भेज दें, यहाँ पे 11 मिलियन जाबे खाली है। मोइज यूसुफ साहब का भी अब कोई जाब नहीं रह गया। अब आप इस तरह करें कि चाइना से इंपोर्ट करें आप अपने लोग, गवर्नर स्टेट बैंक चाइनीज होना चाहिए आपका, आपका फाइनेंस मिनिस्टर भी वहीं का होना चाहिए, ये भी यहां से गए हुए हैं, और आपका NSA भी चाइनीज होना चाहिए, मिस्टर छिन होना चाहिए, मिस्टर यंग होना चाहिए। तो इस तरह का प्लीज आप इस तरह के काम करें कि जल्दी फौरन से कर लें, उसकी वजह है कि टाइम लेट। सबसे ज्यादा खुशकिस्मती पाकिस्तान की चीमा साहब इस वक्त ये है कि इस वक्त मर्दे बीमार बैठा है अमेरिका की तीन मुल्कों का। देखिये मैं अब दो स्टेटमेंट यहां देना चाहता हूं, एक तो चाइना की स्टेटमेंट इस रिएक्शन में आई है कि वी आर डेमोक्रेटिक, हम डेमोक्रेटिक, रशिया कह रहा है कि दिस इज अ कोल्ड माइंड कोल्ड वॉर मेंटेलिटी, पंगा इस वक्त चाइना का है, रशिया का है और अमेरिका का है। और हमारे खान साहब जो कि अपोजिशन से बात नहीं करते, वो कहते हैं कि हम इनकी सुलह कराएंगे, हम इनके दरमियान ब्रिज बन जाएंगे। मैं ऐसे ऐसे मजाक आपकी तरफ से पाकिस्तान से सुनने में आते हैं चीमा साहब, मैं कई दफा अकेला बैठ के हंसता रहा, तो मैं यार खुदा का नाम लो, आपको पता ही नहीं आपका फॉरेन मिनिस्टर मोइज यूसुफ है कि आपके कुरैशी साहब है फॉरेन मिनिस्टर, बल्कि यही कई दफा तो ये लगता है कि शेख रशीद साहब आपके फॉरेन मिनिस्टर,
आपको तो आप क्लैरिफाई नहीं है आपकी आप चीजों में अपनी में, और आप किस तरीके से कह रहे हो कि जी हम अमेरिका, मेरे ख्याल में थोड़े बहुत डॉलर उन्होंने दिखाए होंगे, उन्होंने कहा नहीं जी हमें थोड़ा सा कोई असर हुआ हुआ था, कोई काला जादू चल रहा था जिस वजह से हम IMF के पास चले गए, अगर आप डॉलर देते हैं तो हमें चाइनीज डॉलर तो पहले ही हमारे लिए बड़े सूट करते हैं। तो मेरी यही बात, लेकिन अब खुदारा इस तरह करें कि अपने मिनिस्टर को उनको घर भेज दें घर वापसी, आपकी आधी कैबिनेट अमेरिकन है उनको अपने घर भेज दें, या 11 मिलियन जॉब ओपनिंग है अमेरिका में तो वो फौरन अपने घरों में आ जाएं, अपने घर संभालें, उनकी छतें ठीक कराएं और अपने वो कहते हैं ना लिव हैप्पीली फॉरएवर। आप अपना काम जाने, हमारे जो यहां से आप बंदे ले गए थे अमेरिकन सिटीजन प्लीज वापस कर दें, क्योंकि यहां भी हमें ना मैकडॉनल्ड पे कुछ मिलता है काम करने वाला, इस वक्त डोर डैश में भी ड्राइवर नहीं मिल रहे, शार्ट हुए पड़े। तो हमारे खुदारा या गवर्नर, स्टेट बैंक, जो हमारे जो आप फाइनेंस मिनिस्टर, जो आप जूती मिनिस्टर ले गए हैं, यहां से बड़ी शार्टेज है, उनको जल्दी से जल्दी वापस भेजें ताकि गुलशन का कारोबार चले। ये बिल्कुल खान साहब, ये जो चीजें आप कर रहे हैं ना, ये नस्लें पे करेंगी, ये नस्लें पे करेंगी। तो पाकिस्तान, तो मेरा मकसद है इस पे भी अफसोस ही किया जा सकता है, एक इमेच्योर चीज है, अपने आप को मजीद आइसोलेट करने का एक सिलसिला किया। मैं अगर एडवाइजर इनके होते बताते तो 110 कंट्रीज अमेरिकन आ रहे हैं, और चाइना और रशिया के साथ कितने कंट्रीज है, बल्कि ये एक प्रोपोगंडा जो है, ये समिट नहीं है, प्रोपोगंडा टू फ्लेक्स देयर मसल्स टू शो रशिया एंड चाइना के वर्ल्ड इज स्टैंडिंग विद अस। आप उनमें से उस ग्रुप को चुन रहे हैं जिनके साथ गिनती के लोग खड़े हैं। आप ये देख लें रशियन और चाइना की कितनी पॉपुलैरिटी, बहुत थोड़े लोग हैं उनके साथ। आपने अपने पांव पे खुद ही कुल्हाड़ा मार लिया, आप खुद ही भाग के कोने में खड़े हो गए हो, आप पहले ही आइसोलेशन में हो, आप कंप्लीट आइसोलेशन है आपकी। टर्की के साथ आपने मजाक करके ब्लंडर ब्लफ मार दिया, फिर सऊदी अरब की तरफ भागते हैं, उनसे पैसे भी ले लिए, फिर कभी मलेशिया की तरफ भागते हैं, कभी चाइना है, कभी अमेरिका है, कभी अफगानिस्तान की स्टोरी है। मैंने आप शायद आप ही के प्रोग्राम में कहा था कि अफगानिस्तान भी आपके हाथ से निकल के चला गया, इस वक्त कतरी सारा कुछ निगोशिएट कर रहे हैं, अमेरिकन इंटरेस्ट जो है वो कतरी प्रोटेक्ट कर रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर, और दे आर डूइंग देयर डायरेक्ट डायलॉग, जो आपके पास एक लेवरेज मौजूद थी अफगानियों की वो भी खत्म हो चुकी है आपकी। तो इस सारे सर्कमस्टांसिस में क्या ख्याल आपको सूट करता था कि अमेरिका को दोबारा स्नब किया जाए? हाँ, अनलेस को 15-20 बिलियन डॉलर ना चाइना दे दे तो मैं फिर कहूंगा कि आपका डिसीजन राइट। आप क्या समझते हैं इस समिट में ना जाने से पाकिस्तान को, अगर आप गिनाएं क्या नुकसान हो सकते हैं, किस तरह हमें अमेरिका क्या डैमेज कर सकता है, या कि अमेरिका हमें इग्नोर करेगा इस पे? इसका जवाब चीमा साहब 22 रिपब्लिकन सीनेटर्स ने आज से 3 महीने पहले दे दिया था। फैटफ में आपने 26.5 अपनी कंडीशंस पूरी कर ली हैं, अब 26 और ऐड कर लें उसमें। एक तो वहां आप ग्रे में फंसे रहेंगे, अगर ग्रे से नीचे ना गए तो आप बड़े लकी होंगे। एक दूसरा बिल्कुल माइंड सेट अपना कर लिया है और सपोर्ट कर रहे हैं इंडियन लॉबी यहां पे उनको, अमेरिकन को, उनके सारे वो उनके आईज एंड ईयर्स जो है वो सारे इंडियन लॉबी, बल्कि अब तो IMF में भी आ गई बड़ी है, पावरफुल पोजीशन पे इंडियन अमेरिकन डिसेंट की लड़की आ गई। अब उसमें होगा क्या, अब बिल्कुल जो सबसे पहला आपने मदद की है इंडियंस की, इसमें ना जाके आपने इंडियंस की मदद की है, सियालकोट में भी आपने मदद की है, अपना चेहरा एक ऐसा दिखा दिया है कि वी आर लाइक तालिबानी माइंडसेट। और दूसरा आपने ये किया है जो आज नहीं गए आपने इंडियंस की हेल्प की है, आप बिल्कुल करीब से करीब होते जा रहे हैं एम्बार्गो और सैंक्शंस, और उसका इंपैक्ट आप देख ले फिर क्या होता है। सैंक्शंस एम्बार्गोस लगती हैं तो फिर उसमें मार कौन खाता है? आपकी रूलिंग एलीट नहीं मार खाएगी, रूलिंग एलीट के तो लंदन में अकाउंट है, उनके बच्चे लंदन में पढ़ रहे हैं, अमेरिका में पढ़ रहे हैं, कैनेडियन सिटीजनशिप है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मार खाएगा गरीब का बच्चा, गरीब से गरीब। आपको मैं सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट हो चुका है हमारी तब्दीली सरकार का कि आपकी मिडिल क्लास खत्म हो गई, मिडिल क्लास गरीब हो गई है, गरीब फकीर हो गए हैं। हाँ, जो रूलिंग एलीट है वो इतनी स्ट्रॉन्ग, इतना पैसा उन्होंने बनाया है कि वो, मेरा मकसद है वो अनबिलीवेबल। मेरा मतलब जिस तरह मैं कहता हूं ना, आपके कई लोग मैं ऐसे जानता हूं जिनकी दाढ़ी मूछें नहीं अभी आई कैबिनेट में, उन्होंने अरबों से लूटा, पहले करोड़ों से सुना था, अरबों से लूटा। तो वो अब उसमें हालात आपके नीचे से नीचे जाएंगे, आपके ऊपर सैंक्शन एम्बार्गोस तैयार हैं, आप खुद बल्कि तैयारी करवा रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं उनको जिस तरह की हरकतें करके। और उसके बाद ये है कि आपका कोई आप
पीपल ऑलरेडी यूज टू कॉल यू अ रोग स्टेट। और आप देखें आपकी आपकी अगर फ्रीडम इंस्टीट्यूट या फ्रीडम जो इनका इंस्टीट्यूशन वो देखें तो आपका नीचे शुमार जो है नाइजर के साथ आता है। आपका वैसे देखा जाए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल तो आपका वो कोई नहीं है, जुडिशियल वाले देखें तो 130 में से 26 है। आपके पहले हालात कौन से जो इससे और ज्यादा होगा, वो इससे नीचे जो आप पहुंच चुके हैं।